अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने बनाया है पालक गोश्त और आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी मैंने अपनी एक दोस्त से ली थी जो कि बहुत ही मज़े की है। ट्राई करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अच्छा जी, तो गोश्त की तैयारी के लिए हमने ये मटन लिया है तकरीबन 1.5 किलो और ये टमाटर हैं दो ही अनियन हैं, तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें हैं छोटे वाली, और स्पाइसेस जो इसमें जाएंगी वो है नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला और ज़ीरा और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जब हम पालक की बुनाई करेंगे तो पालक में हम ये डालेंगे 3 बादियान के फूल, साबुत दालचीनी, काली मिर्च तकरीबन 6 से 7 लौंगे और बड़ी इलायची। तो सबसे पहले हम ये गोश्त डालेंगे जो कि हमने धो के साफ़ करके रखा है, ठीक है। ये नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ हैं और 1.5 किलो इसकी क्वांटिटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो गोश्त में अब हम डालेंगे तकरीबन 2 स्पून भर के अदरक और लहसुन। तो ये 2-2 स्पून जो है वो मैंने डाले हैं अदरक और लहसुन के, और इसमें अब जाएंगे टमाटर। और प्याज और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 2.5 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ गोश्त गलाने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ठीक है जी। अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 2 चम्मच नमक के, तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो भर के लाल मिर्च, दो चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला हम बाद में भी डालेंगे जब हमने इसमें पालक ऐड करनी। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के गला लेंगे। अब मैंने इस पर विसल लगा दी है, तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको गलाएंगे ताकि गोश्त जो है वो हाफ डन हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने ये इसका ढक्कन खोला है, तो इसके कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से ताकि टमाटर और प्याज और सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इसमें अभी पानी है, पानी हमने बिल्कुल ड्राई करना है, ठीक है, और उसके बाद ऑयल डाल के और इसमें भुनाई करनी है। और इस पॉइंट पे अगर आपको, आप चेक सकते हैं अगर आपको नमक या मिर्च कुछ भी कम लग रहा हो आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गोश्त का भी पानी वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और इसमें देखिए प्याज और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, ये मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। आप ऑयल अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑयल कम पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा। तो ऑयल मैंने डाल दिया है, अब इसकी थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। अच्छा जी, अब पालक की तैयारी करने के लिए हमने पालक को धो के अच्छे से काट लिया और तकरीबन ये 2 बंडल हैं पालक के, और इसके लिए जो है वो 7 मैंने ली हैं तकरीबन 5 से 6 मिर्चें और ये साबुत मसाले जो पहले दिखाए थे और तकरीबन 1/2 गिलास दूध। ये हम यूज़ करेंगे जब हम पालक की अलग से बुनाई करेंगे।
अब इसमें मैं डाल दूंगी स्पाइसेस, जो गरम मसाला मैंने रखा हुआ था साबुत, वो डाल दूंगी। इसमें अब दूध डाल दिया हमने, ठीक है जी। अब इसको और पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल पानी जो है वो और दूध खुश्क हो रहा है। इसमें पालक में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद करते तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। पालक का पानी ड्राई हो गया है, अब इसमें हल्की सी ये ऑयल डालने की वजह से शाइन सी आ गई है। अब मैं इसको गोश्त में मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, पालक को अब हम मिक्स कर दिए, थोड़ी देर इसको और पकाएंगे कि ये दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाएं आपस में। तो पालक गोश्त हमारा रेडी है और ये है जी इसकी फाइनल लुक। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। ले जी, तो पालक गोश्त हमारा रेडी है, खाएं और इंजॉय करें।